आज वो हमारे यहाँ पर आए, हमारे परिवार से मिले और मिलने के बाद और हमें आपस में एक दूसरे के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने मामलात के साथ जो बातें हुई वो बहुत ही अच्छी रही, खुशगवार रही। क्योंकि पहली मर्तबा वो किसी मस्जिद में आए हैं, वो राष्ट्रपिता हैं इस देश के, राष्ट्र ऋषि हैं। मोहन भागवत जी के यहां आने से मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश जाएगा। आरएसएस का जो प्रमुख है वो मैं समझता हूं कि देश का प्रमुख है। मेजॉरिटी जो हिंदू मेजॉरिटी है उनके दिलों की धड़कन है संघ, और संघ के सरबराह हैं माने मोहन भागवत जी। सो मोहन भागवत जी रिप्रेजेंट करते हैं मुल्क को, और मुसलमान भी मुल्क का ही हिस्सा है। हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ये सारे समुदाय जो हैं वो भारतीय हैं, और संघ जो है वो भारतीयता की बात करता है। राष्ट्र हित में, देश हित में एक अखंड भारत, एक ऐसा भारत जो कि समृद्ध हो और सभी के लिए विकास का जो एक सपना है वो संघ का सपना है। हिंदू मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ या किसी एक विशेष जाति समुदाय के खिलाफ संघ है, ऐसा बिल्कुल ये परसेप्शन गलत है। हमारी मुलाकात का मकसद ये था कि देश में जो एक माहौल बन रहा है नफरत का और एक दूसरे से टकराव का, उस माहौल को ठीक किया जाए, बदला जाए, क्योंकि देश के हित में नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था के, समाज के हित में नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की बदनामी होती है। तो इसलिए हम लोग मिले उनसे और बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई, और उन्होंने भी इस बात से सहमत थे, हम भी इस बात से सहमत हैं कि दोनों तरफ कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो आग में तेल डालते हैं। हमें आग बुझाने का काम करना है, तेल डालने का काम नहीं करना है। मोहन भागवत जी यहाँ पर आए 10 बजे, 11 बजे तक रहे एक घंटा, तो हमारी क्लासें देखी, कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते हैं, पढ़ते हैं, सारी क्लासें देख के हमसे पूछा कि किस तरह से कितने दिन में ये पूरा होता है ये कोर्स, हमने बताया 3 साल। उसके बाद ये सारी चीज़ें देख के क्लास किस तरह चल रही है ये भी पूछा कि हिलकर क्यों पढ़ते हैं। मैंने कहा ये कुदरती होता है, सारी दुनिया में जहाँ भी हिफ्ज़ करते हैं हिलते ही हैं। उसके बाद वो तलबा के साथ बैठे आधा घंटा और उसके सारी बातें पूछी, क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न एजुकेशन को साथ लेके चले। हमने बताया कि मॉडर्न एजुकेशन ऑलरेडी साथ साथ चल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूजनीय सरसंघ चालक, अलग अलग पदों पर रहे उससे पूर्व, माननीय सुदर्शन जी के मुसलमान, ईसाइयों और अन्य लोगों के पत्र वार्ता के लिए आने लगे थे। वो चाहते थे कि हम मीडिया के थ्रू, मजहबी और सियासी राजनेताओं के थ्रू संघ को समझने की बजाय सीधा समझना चाहते हैं, इसलिए हम डायलॉग करेंगे। और हिंदू और हिंदुत्व ये संघ जो लेकर चलता है, मीडिया देखने और नेताओं को सुनने के बाद बड़ा जहरीला लगता है, वैसे जब अड़ोस पड़ोस में देखते हैं तो कोई भी दुर्घटना पर समाज सेवा में ये सबसे अग्रणी होता है, और समाज सेवा में वो जाति, धर्म और दल का कोई भेद नहीं करता।